हमारे साथ यहाँ पे साथ में मौजूद है मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी। हम उनसे जानेंगे क्या कहेंगे सामाजिक लोगों के द्वारा इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है धर्म परिवर्तन का, और कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ भी की जा रही है और ईसाई समुदाय के लोगों को डराया भी जा रहा है, क्या कुछ? देखिए दो चीज़ है इसमें। पहली चीज़ ये है कि संविधान में सभी को मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं। आप आज किसी धर्म में हैं, कल आप किसी धर्म को भी पालन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो अगर इस बात में फिर दूसरा बात आता है कि अगर कुछ चीज़ भी जबरन किया जा रहा है, कुछ भी एनीथिंग दैट इज फोर्स्ड इज रॉन्ग, कुछ भी चीज़ जबरन किया जा रहा है गलत है, उसके लिए कानून है। आप ऐसी चीज़ों को सामने लाए, हर एक सरकार को उसके लिए कड़ी कदम उठानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो चर्चेस को तोड़ा गया, मसीहों के विरुद्ध जो कार्य किए गए उसी के विरोध में आज हम लोग जैसे वाई होकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे असामाजिक तत्वों के लोग जो है इस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? हम लोग सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है जहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार है जीने के लिए, बोलने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोशल जो एंटी सोशल एलिमेंट्स असामाजिक तत्व है वो लोग प्रेम नहीं नफरत फैलाना चाहते हैं। तो इसी के विरोध में हम लोग कि हम लोग को प्रेम बांटना है, क्योंकि सभी मजहब में बोला गया, सभी धर्मों में बोला गया, तो इसी बात को हम लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि धर्म परिवर्तन का हृदय परिवर्तन की बात है। मेरा नाम गोल्डन गोल। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।